अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जी का जहां हम और आप एक मरतबा फिर एक साथ। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। वतन अजीज़ और हम सब के लिए सलामती की बहुत सी दुआओं के साथ अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अपने आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करने जा रहे हैं बागों का, फूलों का, बहारों का, रंगों का। लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, हमारे आज के प्रोग्राम में एक ट्विस्ट है और वो ट्विस्ट ये कि हम जिक्र करेंगे लाहौर के कदीम बागों का, और वो बाग जो कभी पहचान थे लाहौर की। लाहौर को उसी नस्बत से बागों का शहर भी कहा जाता था। तो बहुत से बागात तामीर किए गए मुग़ल दौर में। इसके अलावा सिख अहद में भी बागात का जिक्र मिलता है। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं अंग्रेज़ अहद में, तो वहाँ पर भी हमें कुछ बागात का जिक्र मिलता है जो उनके अहद में लगाए गए थे। तो इन तमाम अदवार का अहाता करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फैज़ान नकवी साहब, जो कि बहुत ही काम कर चुके हैं लाहौर की तारीख़ के हवाले से। लाहौर के खोजी के नाम से भी इनको जाना जाता है। इसके अलावा मुख्तलिफ अखबारात में इन्होंने बहुत से कॉलम्स भी तहरीर किए, मकाले भी इन्होंने तहरीर किए, कुतब भी तहरीर की। इसके साथ साथ लाहौर शनासी फाउंडेशन के ये बानी भी हैं। तो हम इनसे बात करते हैं कि इतनी छोटी सी उम्र में इतना कुछ इन्होंने कर लिया, लाहौर को कहाँ तक खोज पाए ये। और बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे आपने इतनी छोटी सी उम्र में इतना लाहौर खोज लिया, और बागात के हवाले से आप क्या जानते हैं? बस जी, ये अपने अपने शौक़ की बात है। बचपन से ही पुरानी इमारतों का शौक़ था, और पुरानी इमारतों को देखते देखते फिर मुख्तलिफ मकबरे, इमारतें, मंदिर, गुरुद्वारे, और यहाँ तक कि हर वो चीज़ जो जिसका ताल्लुक़ लाहौर से है वो मैंने रिसर्च की, और उसको किताबों की शक्ल में, कालम की शक्ल में और डॉक्यूमेंट्रीज़ की शक्ल में मैंने आवाम के सामने पेश किया। तो आज के प्रोग्राम में चूंकि हमारा मौजू है ख़ास तौर से बागात के हवाले से, लाहौर के बागात, तो हम कहाँ से आगाज़ करने जा रहे हैं? जी आपने जैसे कि अभी बताया लाहौर को बागों का शहर कहा जाता था, तो बेसिकली बुनियादी तौर पे जो मुग़ल बादशाह थे वो चूँकि हिंदुस्तान के नहीं थे, वो अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशियन मुल्कों के रहने वाले थे। वहाँ का मौसम बहुत अच्छा होता है, यहाँ आके शदीद गर्मी है तो शदीद सख्त गर्मी पड़ती है, सर्दी है तो सख्त सर्दी होती है। तो इसलिए उन्होंने अपने यहाँ रहने के लिए अपने लिए उन्होंने बाग तामीर करवाए, और वो एक तख़य्युलाती और तसव्वुराती कॉन्सेप्ट के ऊपर कायम किए गए, और ये इंतहाई खूबसूरत और एक कह लें कि ज़िंदगी का एक नमूना पेश करने वाले जो बाग थे। और इसमें बहुत सारे बाग मिट भी चुके हैं, बहुत सारे मौजूद भी हैं। तो आज हम अपना आगाज़ सबसे पहले शाहजहानी पीरियड का जो नवाब महाबत खान है उनके बाग से करेंगे। बाग का जिक्र आते ही वो फूल और तितलियाँ और बहुत से रंग जहन में बिखर जाते हैं। तो शायद आपको आज के इस प्रोग्राम में वो रंग तो दिखाई ना दें, लेकिन हम उन तमाम बागों के ऊपर से गर्द साफ़ करते हुए ज़रूर नज़र आएंगे और आपको दिखाएंगे कि लाहौर में जो बागात थे वो किस कदर खूबसूरत तामीर किए गए थे, उनके अहाता जो है वो कितना वसी था। और कोशिश करेंगे कि अपने आज के उस प्रोग्राम में एक तख़य्युल की आँख से वो बागात आपके सामने दिखाएँ, और उनको दिखाने में हमारे जो मावन हैं वो है सैयद फैज़ान नकवी साहब। तो चलिए पहले हम आपको महाबत खान के मकबरे की तरफ ले जाते हैं जहाँ पर बाग भी मौजूद था। तो आइए। जीटी रोड से पतली सी गली में दाखिल होते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने महाबत खान का मकबरा बिल्कुल मसमारशुदा हालत में मौजूद है, और फैज़ान नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि इस मकबरे के बारे में ये क्या जानते हैं, इसका हदूदरबा क्या था और बाग की वसत क्या थी। तो हमारे साथ हैं फैज़ान साहब, तो आइए इनसे बात करते हैं। जी ये लाहौर का एक शाहजहानी दौर का एक बड़ा अहम बाग है, जो कि बाग महाबत खान के नाम से मशहूर है। तो महाबत खान तारीख़ में दो गुजरे हैं, एक शहनशाह जहांगीर के फ़ौज का सिपा सालार रहा है और दूसरा शाहजहां के दौर का। तो इसलिए ये मोरखीन का थोड़ा इस पर इख्तलाफ़ पाया जाता है कि ये कौन से वाले महाबत खान का, लेकिन ये बात तय है कि ये बाग जो है वो महाबत खान का है। और ये जहाँ पे हम खड़े हैं ये एक बाग की एक गिरी हुई दीवार है जो एक अपनी शिकस्ता हालत में आज भी मौजूद है, और ये जीटी रोड के किनारे पर वाकया एक बड़ा वसीउ अरीस बाग था जो काफ़ी जो है वो ख़राब हो चुका है। मकबरा भी गिर चुका है, मकबरे के पास एक कब्र अभी भी हालत में, शिकस्ता हालत में मौजूद है। और जबकि ये जो दीवार है ये कभी कोई दरवाज़ा रहा होगा या क्या था ये? जी ये बाग की जो फसील होती है ये फसील का एक बाकी हिस्सा है, जबकि उसका दो दरवाजे थे जो कि सिमेट्री स्टाइल में जो उस जमाने में तामीर होते थे, तो वो हमारे दाएँ और बाएँ जानब पर दो दरवाजे थे, और ये जो हिस्सा है ये गुमान यही किया जाता है कि ये इसकी दीवार ही थी। बाग की हदूद में दाखिल हो चुके हैं, मौजूदा हदूद में।
पहले इसकी क्या हदूद थी वो तो हम फिजान साहब से ही पूछेंगे। इस वक्त हमें सामने एक छोटी सी फसील भी दिखाई दे रही है, इमारत एक तामीर की गई है यहाँ पर, वो भी दिखाई दे रही है उसी ज़माने से। तो हम फिजान साहब से पूछते हैं कि इसका अब का नाम क्या है और पुराना नाम क्या था और इसके बारे में मज़ीद तफसीलात आप क्या बताएँगे नाज़रीन को? जी अब इस वक्त इसको बागीची सेठा वली कहा जाता है। तो ये चूँकि यहाँ तारीख में मिलता है कि 19वीं सदी में कुछ पारसी सेठ थे जिन्होंने इस बाग को ख़रीद लिया था, तो चूँकि ये बाग सिकुड़ के बागीची में बदल गया था तो इसलिए वो बागीची सेठा वाली मशहूर हुआ। लेकिन बाद अजां फिर ये महकमा आर्कियालॉजी ने इसको महफूज किया और इसको अपनी प्रोटेक्टेड लिस्ट में भी शामिल किया। तो मौजूदा अब ये बाग का इस साइड का हिस्सा तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका हुआ है, लेकिन हमारे ये जो सामने वाला इलाका है ये किसी न किसी हद तक एक बाग की एक नकल के तौर पे हमारे पास मौजूद है। और ये मकबरा मोहब्बत खान भी, उसकी कब्र आज भी हमारे सामने मौजूद है। तो यहाँ पे जो मकबरा था अभी कैमरामैन भी दिखाएगा कि वो तो बिल्कुल मस्मार हो चुका है। तो इसकी इमारत भी उसी तरह से थी जैसे हमारे यहाँ पर अली मर्दान का मकबरा है या बहुत से मकाबिर मौजूद हैं, तो इसकी इमारत भी वैसी रही होगी। चूँकि जहांगीर पीरियड के हों चाहे शाहजहाँ पीरियड के, तो ये एक फ़ौज के सिपा सालार थे तो उनके शायान शान यहाँ एक बहुत वसी और बड़ी बिल्डिंग थी जो कि वक्त के साथ साथ जो है वो तबाह बर्बाद हो गई और बाद अजा फिर ईंटों के लालच में उस इमारत से ईंटें निकाल ली गई जिसकी वजह से इमारत मुनहदिम हो गई। इस तरह से इमारतों को जो नुकसान पहुँचाया गया है या अभी भी इमारतें जो मखदूश हालत में उनको प्रोटेक्टेड उस तरह से डिक्लेयर नहीं किया जा रहा है, तो आपका क्या विजन है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि लाहौर की तारीख को किस हद तक नुकसान पहुँचने का खतरा है? जी इसमें मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ नुकसान होते रहे हैं। स्पेशली सिख पीरियड की अगर हम बात करें तो उसमें जो महाराजा रणजीत सिंह से पहले का ज़माना था उस ज़माने में बहुत ज़्यादा जो गुरबत थी, तंग दस्ती थी और लोग उन इमारतों को जो है वो नोचने के बाद, ईंटें निकालने के बाद बेच देते थे तो अपनी रोज़ी रोटी का ज़रिया बना रखा था। और बाद अजां फिर महाराजा रणजीत सिंह के ज़माने में भी बहुत सारी इमारतों में से जो है वो पत्थर निकाल लिए गए और इस तरह फिर ये अंग्रेज़ दौर के बाद भी ये सिलसिला जारी रहा। और फिर पाकिस्तान बनने के बाद तो जो कब्ज़ा ग्रुप था, माफिया था और सब ये अवामिल मिल के ऐसी तारीखी इमारतों की शिकस्त और रेख्त में बराबर के शरीक रहे। बाकी महकमा सारे कदीमा के वजूद के बाद जो है वो बहुत सारी इमारतों को अपनी फहरिस्त में शामिल किया गया, लेकिन जितना काम कर लेना चाहिए था उतना नहीं किया गया जिसकी वजह से बहुत सारे मोनूमेंट्स जो अभी भी हमारे देखने में दिखाई देते हैं और वो बहुत तेज़ी के साथ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते चले जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि टूरिज़्म जो है वो कितनी मुतासिर हो सकती है इस नुकसान की वजह से? जी बिल्कुल ऐसे ही है, दुनिया भर में जो तारीखी शहर हैं वहाँ पे तारीखी आसार ही उनकी पहचान होते हैं। तो जब हम बात करते हैं कि लाहौर इतने हज़ार साल पुराना था तो हमें उतना पुराना दिखाने के लिए भी कोई ऐसा मोनूमेंट, कोई ऐसी निशानी, कोई ऐसी यादगार होनी चाहिए। तो जब वो चीज़ पुरानी हमारे पर रहेगी नहीं तो हम उसको कैसे पुराना डिक्लेयर कर सकते हैं? तो बिल्कुल तारीखी आसारो बाकियात सियाहत के अंदर बहुत अहम होते हैं, लोग दूर दूर से इसको देखने के लिए आते हैं। जैसे आज हम यहाँ आए हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ दर्जनों के हिसाब से लोग इस पुरानी जगह को, पुराने आसार को यहाँ देखते हैं आगे। तो लेकिन जब ये पुराने आसार रहेंगे ही नहीं तो देखने वाला यकीनन जो है वो यहाँ आके मायूस भी होगा और आइंदा जो है वो ऐसी जगहों पे जाएगा ही नहीं। यही बात मैं कहने जा रही थी कि जो इतनी दूर से सियाहत के नुक्ते नज़र से लाहौर की खोज में पहुंचेगा तो मायूसी के सिवा उसके हाथ कुछ नहीं आ सकता है। तो आप ज़रूर देखिए कि यहाँ पर इस वक्त बाग की क्या सूरत हाल है। ये बाग जो है ना ये बिल्कुल वराना था, इधर ये इतना बराना था कि इतनी धूल उठती थी जितना झूठ बोले आप। हमने रिक्वेस्ट कर कर के मलक परवेज साहब को, ये वसीम कादर साहब को, ये बाग बनवाया, ट्यूबवेल लगवाया। पहला ट्यूबवेल लगा हुआ था वो बेकार हो गया। जो बागवानपुरा का, लाहौर का पूरा बड़ा जनाजा होता है वो इधर होता है, कोई लाइट नहीं है। हमने लिख लिख के जनाजा क्यों यहाँ पे होता है वो बेटा जो 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 छोड़ के चले गए ना, इधर से डिफेंस चले गए, जौहर टाउन चले गए, लेक सिटी चले गए और जगह पे चले गए, वो जनाजा उनकी कब्रिस्तान तो इधर ही है, इधर ही कब्रें हैं उनकी, वो इधर ही ला के दफनाते हैं सबको। लाइट जो है ना देखें आप खुद अपने कैमरे की नज़र में देखें किसी जगह पे लाइट लगी है। ये वसीम कादर और मलक परवेज ने लगवाई थी लाइटें, वो ख़त्म हुई हैं, क्या क्या के थंग आ गए। PHO को भी लेटर लिखे हैं, अगर आप मुझे मोहलत दें तो मैं आपके ऑफिस में लेटर भेज दूँगा कि भाई मेरे पास लेटर कितने हैं, मैंने कितने किए। फिर नासिर सुलेमान साहब को भी कहा, उन्होंने कहा जी वादा किया मैंने करवा देता हूँ आप जी। अब हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या है आप बताइए जी? अब हम बेगमपुरा की साइड पे चलते हैं जहाँ पे सरू वाला बाग और सरू वाला मकबरा है। इसकी हालत आपने देख ली, अब हम जा रहे हैं सरू वाला बाग या मकबरा वहाँ पे, तो चलिए उसकी हालत देखते हैं।
हम दाखिल हो चुके हैं सरूवाला बाग की हदूद में। यहाँ पर एक मकबरा भी मौजूद है जिसे सरूवाला मकबरा ही जाना जाता है। इसके बारे में भी बहुत दिलचस्प कहानी जो है वो हमारे सुनने में आई थी। वो कहानी क्या है हम लाहौर के खोजी ही से जानने की कोशिश करते हैं। मकबरे की हदूद में हम दाखिल हो चुके हैं और हम बढ़ रहे हैं मकबरे की इमारत की जानिब। और हम फैज़ान साहब से पूछेंगे कि इस इमारत में एक खातून ऊपरी पोर्शन तक किस तरह से पहुंचा करती थी, तो क्या जानते हैं आप इसके बारे में? जी, ये इलाका चूँकि उस ज़माने में मुग़ल जो ख़ानदान थे उनकी रहाइशगाह थी और ये मुग़लपुरा के तौर पर मशहूर था, तो ये उनका रहायशी इलाका बिल्कुल ये पड़ोस में हमारे वाक़िया है। तो ये मकबरा चूँकि एक चबूतरा था और चबूतरे पे उस ज़माने में एक सीढ़ी लगाई गई होती थी, तो जहाँ पे वो नमाज फजर अदा करने के बाद वो कुछ देर यहाँ पे बैठ के तिलावत कुरान किया करती थी और बाद में सूरज के तुलू होने के बाद वो नीचे आके अपने दीगर मामला अंजाम देती थी। तो उन्होंने ये वसीयत की थी कि मुझे मेरे मरने के बाद इसी चबूतरे में ही दफन किया जाए। तो ये इस लिहाज से भी एक मुनफरद मकबरा है जो लाहौर के दीगर मतलब ऐसे कोई मकबरा या जो है वो नज़र नहीं आता। हमें इस पर तो पहले बात कर चुके थे, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे हमें ऊपर एक दरवाज़ा भी दिखाई दे रहा है और फिर चूंकि ये मारूफ है सरूवाला मकबरा के हवाले से तो यहाँ पर हमें कोई ऐसी चीज़ दिखाई नहीं दे रही, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी, ये जो जगह है ये सरूवाला बाग मशहूर था और जो शरफुन्निसा बेगम थी उनको सरू का पौधा बहुत पसंद था। यही वजह है कि आप मकबरे में भी देखेंगे सरू के पौधे बाकायदा जो है वो बनाए गए हैं। तो ये इलाका तारीख में दर्ज है कि ये बहुत ज़्यादा हमलों की जद में रहा है। तो अहमद शाह अब्दाली तक के हमले इस इलाके पर हुए, यहाँ लूट मार हुई, कत्ल वगारत हुई। फिर बाद में जो महाराजा रणजीत सिंह से पहले के जो सिख दौर था उसमें बहुत लूट मार का जो है सिलसिला यहाँ रहा, तो जिसके नतीजे में ना सिर्फ बाग ख़त्म हुआ बल्कि यहाँ की हवेलियाँ, यहाँ के इमारतें, मकबरे, मस्जिदें, यहाँ तक के जो शाही कब्रिस्तान था वो तक जो है वो तख्तो ताराज जो यहाँ पर हुआ और उसके नतीजे में ये मकबरा और दीगर इमारतें भी इसकी जद में आईं। तो इस मकबरे की जो इमारत थी वो ज़ाहरन कैसी थी? इस पे भी कोई संग सुर्ख का इस्तेमाल था या मरमर था, क्या था इस पे? नहीं, चूँकि ये मकबरा एक चबूतरे पर था तो इसलिए ये एक मकबरा उसकी तदफीन के बाद जो है सीढ़ी ख़त्म कर दी गई ताकि उसके ऊपर जाने का कोई रास्ता ना रहे। तो इस पे कोई खसूसी इमारत पे कोई पत्थर या कोई ऐसा इस्तेमाल तो नहीं नज़र आता, लेकिन ये तयशुदा बात है कि ये एक बाग के अंदर था जो बाग की कोई थोड़ा सा जो हिस्सा है वो आज भी हमारे सामने है। अच्छा, और ये जो इसमें दरवाज़ा मौजूद है और इसमें जो आर्ट वर्क हमें दिखाई दे रहा है, टाइल भी हमें कुछ दिखाई दे रही है, यहाँ पे काम किया गया, तो ये सब जो है उसी वक्त का है? जी, ऊपर जो गुंबद पे अगर आप देखें तो रोगनी टाइलों का इस्तेमाल किया गया, कुछ अल्लाह ताला के नाम लिखे गए हैं, तो लेकिन वक्त के साथ साथ वो शिकस्ता रेख्त का शिकार हुए हैं। और इसमें कुछ साल पहले महकमा आसार कदीमा की जानिब से इस मकबरे की रिपेयरिंग की गई है जिसमें ये एक बुलंद चबूतरा तमीर हुआ और उसमें ये पीछे प्लस्तर किया गया और उसके साथ साथ ये ऊपर एक मेहराब थी जो इसका दाखिली दरवाज़ा था और मेहराब को जो है वो एक दरवाज़ा लगा कर बंद कर दिया गया, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए था कि मेहराब जो असल हालत में जैसे थी वैसे ही चाहिए थी। सही, अब मज़ीद हम क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास और बहुत से बागात हैं लाहौर, चूँकि हम बार बार कह रहे हैं कि बागात का शहर था और ऐसे ही बहुत से बागात जो हैं वो कैद कर दिए गए हैं, वक्त ने कैद किए, ज़माने के की कैद में है या हालात ने उनको कैद किया। मज़ीद कितने कैदी बागात यहाँ पर मौजूद हैं हम वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो फैज़ान साहब से ही बात करते हैं कि नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमारी कौन सी है? जी, अब हम इस वक्त एक ख़त्म शुदा जो बाग है जिसके आसार जीटी रोड पर ही वाक़ हैं, अंगूरी बाग। अब हम अंगूरी बाग को चलते हैं। नाज़रीन, सुबह से हम आपको जीटी रोड के अतराफ़ में मौजूद मुख्तलिफ लाहौर के बागात की ना सिर्फ सैर करवा रहे हैं बल्कि उनके मखदूश हालात भी आपको दिखा रहे हैं। लाहौर चूँकि बागात ही का शहर था और इस वक्त जो मेरे साथ बाग आप देख रहे हैं शालामार बाग है, इसके बारे में भी तफसीलात हम अपने एक प्रोग्राम में आपको बता चुके हैं। इसके सामने ही एक अंगूरी बाग भी कभी मौजूद हुआ करता था, वो अंगूरी बाग क्यों था इसके बारे में भी हम आपको तफसीलात बताएँगे। इसके अलावा दाई अंगा का बाग भी यही अतराफ़ में मौजूद हुआ करता था। तो यहाँ पर बहुत से बागात थे जिनमें से कुछ की तफसीलात हम आपको बता चुके हैं और जो अभी बाकियात हैं उनके बारे में आप जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। और अभी हम आपको लिए चलेंगे अंगूरी बाग की जानिब और फैज़ान साहब से पूछेंगे कि उसको अंगूरी बाग क्यों कहा जाता था।
ये बिजली के तारों में आपको एक दिखाई दे रही है बुर्जी छोटी सी, जो किसी ज़माने में अंगूरी बाग का हिस्सा हुआ करती थी, उसकी पहचान हुआ करती थी शालामार बाग के बिल्कुल सामने। शालामार बाग से इस बाग का क्या आपस में कनेक्शन था? हम फैज़ान साहब से पूछेंगे इस बाग के बारे में आप क्या जानते हैं। जी, इस हवाले से तो लाहौर के जितने बागात मुग़ल दौर में या सिख दौर में हुआ करते थे उतने तो आज मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि उस वक्त आबादी कम थी, इंतजाम अच्छे थे, आज आबादी बेतहाशा हो चुकी है। तो आबादी की आप बात करते हैं, मतलब किसने इजाज़त दी यहाँ पर मकानात बनाने की? इसमें सबसे बड़ा जो कसूरवार है अगर हम मानते हैं वो LDA है, जिन्होंने लाहौर की डेवलपमेंट तो की है लेकिन उसके साथ साथ जो तबाही है उससे रोकने के लिए कोई इकदाम नहीं किए। उसके साथ साथ फिर ऐसे तारीखी आसारों बाकियात जो कब्ज़ा ग्रुपों के कंट्रोल में हैं उनसे आज़ाद नहीं करवाए जा सके। तो यही वजह है कि आहिस्ता आहिस्ता जो एक तारीखी बाग थे या उनके आसार थे वो आज बड़ी तेज़ी से मिट चुके हैं। इन आसार को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई सजेशन है आपके पास? जी, आसार को बचाने के लिए तो महकमा सारे कदीमा है, महकमा वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी है या महकमा मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड है, ऐसे बड़े बड़े इदारे मौजूद हैं, तो इसको सिलेबस में शामिल किया जाना चाहिए। अवामी सतह पर ऐसी जो है वो मुहिमात चलानी चाहिए, लोगों को आगाह करना चाहिए, स्कूलों कॉलेजों के स्टूडेंट्स को यहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा दौरे करवाए जाने चाहिए ताकि आने वाली नस्ल इसकी अहमियत से आगाह हो सकेगी तो फिर वो इसको खुद बचाएगी। तो अंगूरी बाग के बारे में आप क्या जानते हैं? आप ये अंगूरी बाग जो है वो शाहजहानी दौर का एक कदीमी बाग था जो इस वक्त तो मौजूद नहीं है, सिर्फ इसकी दो बुर्जियां जो हैं वो आज हमारे दरमियान मौजूद हैं, और ये शालामार बाग के बिल्कुल ही जो एक पहलू में वाकया है। आम तौर पे बाज़ मुअर्रखीन कहते हैं कि ये शालामार बाग का ही एक हिस्सा था और शालामार बाग 7 तख्तों पर मुश्तमिल था जिसमें से एक तख्ता ये अंगूरी बाग था, लेकिन अगर इसको फिज़िकली अगर हम देखते हैं तो मुख्तलिफ 4 कोनों पर मुश्तमिल इसकी ये 4 बुर्जियाँ और इसकी एक फसील, ये इस बात की दलील है कि ये एक अलग छोटा सा एक बाग था। तो मुमकिन है कि यहाँ अंगूरों की बेलें थी, अंगूर ज़्यादा लगते थे शायद इसलिए उसका नाम अंगूरी था, या इसमें मज़ीद कोई इसकी टर्म होगी जिसके वजह से ये अंगूरी बाग था, लेकिन ये तयशुदा बात है कि ये शालामार बाग से बाहर एक अलग छोटा सा एक बाग था। लाहौर की तारीख बहुत ही कदीम है, हज़ारों साल पर मुहित इस शहर की तारीख को देखा जाए तो बहुत बार इस शहर को लूटा गया, इसे बर्बाद किया गया और बारहा इसे आबाद भी किया जाता रहा है। इन तमाम अदवार में जो 3 अहम दौर हमें दिखाई देते हैं उनमें मुग़ल दौर है, उसके बाद सिख अहद आता है और उसके साथ ही हमें अंग्रेज़ी अहद भी तारीख़ पर बिखरा दिखाई देता है। इन तमाम अदवार में इस शहर के साथ क्या हालात पेश आते रहे वो अभी हम आपको मज़ीद तफसीलात बताएंगे, फैज़ान साहब से बात भी करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं नादरा बेगम बाग में, जिसकी तफसीलात हम आपको अपने एक गुज़िश्ता प्रोग्राम में बता चुके हैं। मुग़ल दौर की अगर हम बात करते हैं तो तमाम बागात जो हैं वो एक ही तरह से में दिखाई देते हैं, इसमें बहुत खूबसूरत रविशें तैयार की जाती रही हैं, इसके अलावा यहाँ पर आबी गुजरगाहें बनाई जाती रही हैं, उसके अलावा बारादरियाँ भी मुग़ल बागात का एक खासा रही हैं, इनमें पौधों को एक ख़ास तरतीब से लगाया जाता रहा है, बागात को कतात को एक ख़ास तरतीब से काटा जाता रहा है और उसमें तमाम दरख्तों और पौधों को एक मखसूस अंदाज में यहाँ पर आरास्ता किया जाता रहा है, बागबानी की जाती रही है। इस वक्त जो हालात आप सुबह से हमारे साथ देख रहे हैं बागात के, इंतहाई मखदूश हैं, जो यकीनन लाहौर की खूबसूरती को जो है गहनाता दिखाई दे रहे हैं। तो इस वक्त हम इन तमाम अदवार के हवाले से फैज़ान साहब की एक्सपर्टीज़ ज़रूर लेंगे और उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि इन तीनों अदवार में लाहौर के बागात की क्या हालत की जाती रही है और इस वक्त क्या सूरत हाल है। तो आइए हमारे साथ हम उनसे बात करते हैं। लाहौर की तारीख़ जैसा कि हम बार बार आपको बताते रहे हैं कि बहुत कदीम है, इसको मुख्तलिफ अदवार में आबाद किया जाता रहा, लेकिन अकबर के दौर में बाकायदा इस शहर को शनाख्त मिलती है। तो अकबर के बाद एक नया अहद यहाँ पर शुरू होता है, तो हम वहीं से बात शुरू करते हैं और फैज़ान साहब से पूछते हैं कि उस दौर में फसील कायम की गई थी अकबर के अहद में और लाहौर फसील की हदूद तक ही था, ये बाहर कैसे आया, बागात कैसे बाहर तक पहुँचे? जी, लाहौर मुग़ल हुकूमत से पहले कोई इतना काबिल कदर शहर नहीं था, एक गुजरगाह होने की हैसियत से इसकी अहमियत ज़रूर थी लेकिन इसकी ना तो इतनी कोई ख़ास तमीरात थी और ना ही इसकी इतनी ज़्यादा अहमियत थी, तो लिहाजा इस जब मुग़ल आए हैं तो इस पे लाहौर में जो सबसे पहला बाग या पहली इमारत मुग़लों की हम कह सकते हैं तो वो रावी के अंदर मौजूद बारादरी है जो मिर्ज़ा कामरान का बाग था।
तो इसके बाद फिर शहनशाह अकबर ने जब बाकायदा तौर पे हुकूमत शुरू की तो उस ज़माने में जो पुराना शहर था वो फसील के अंदर ही था। लेकिन अगर जहाँ तक हम आबादी की बात करें तो शहनशाह हुमायूं के दौर में कुछ कुछ लाहौर के जो पुराने उमरा थे उन्होंने उस फसील से बाहर कुछ इलाकों में अपने कुछ बागात तामीर करवाए थे और कुछ आबादियाँ आहिस्ता आहिस्ता बाहर होना शुरू हुई थी। लेकिन बाकायदा महफूज तरीके से शहनशाह अकबर के ज़माने में लाहौर के 9 जो गुज़र थे उनमें तकसीम किया गया और फिर मुख्तलिफ उमरा ने अपने अपने इलाके तामीर किए और उसमें फिर अपने मर्जी से बाग भी तामीर किए। इस वक्त हम मौजूद हैं नादरा बेगम के बाग में और इसके अलावा जो हम बात कर रहे हैं मुग़ल इरा के बागात की, तो वो कहाँ कहाँ मौजूद थे और इस बाग के हवाले से कि ये कब तामीर किया गया? में जो है वो मुख्तलिफ अदवार हैं, जैसे शहनशाह अकबर का पीरियड है, फिर जहांगीर का पीरियड है, शाहजहाँ के ज़माने में बहुत ज़्यादा बागात तामीर हुए और खसूसन शहजादा दारा शिकोह के लाहौर में बेशुमार बागात थे। तो उनमें अगर हम बात करें तो फतेहगढ़ का एक इलाका है जो एक ज़माने में बाग हुआ करता था, वो बदल के जो है वो कलोनी बन चुकी है अब। इसी तरह जो ताज बाग है, फिर फैज़ बाग है, फिर इसी तरह लाहौर के अंदर दीनानाथ के और सिखों के ज़माने में जो है वो बाग तामीर हुए। तो इस तरह एक आम सी तहकीक के मुताबिक जो है तकरीबन 100 से ज़्यादा बाग लाहौर में होते थे, जिसकी वजह से लाहौर को बागों का शहर कहा जाता था। और ये जो 100 से ज़ायद बागात का आप जिक्र करें, ये तमाम बागात मुग़ल दौर में लगाए गए थे? जी, तकरीबन मुग़ल और सिख मिला के तकरीबन 100 हैं। अगर हम खाली मुग़ल दौर की बात करें तो उसमें अगर हम शहनशाह हुमायूं के दौर से लेके और आखिरी मुग़ल हुक्मरान के दौर तक अगर हम बात करें तो कमोबेश 80 के करीब ऐसे बाग बनते हैं और बाद अजां फिर उसमें सिखों ने इसमें इजाफे किए। अच्छा, सिखों के बारे में एक आम रवायत हमारे यहाँ, अब मैं नहीं जानती हूँ कि ये तासुब से पुर है बात या इसमें सच्चाई है, कि ये कहा जाता है कि जितना नुकसान सिख हुकूमत ने इस लाहौर को पहुँचाया शायद किसी और दौर में इतना नुकसान नहीं पहुँचाया गया। तो वो नुकसान किस नोयत के थे और बागात आप कह रहे हैं कि उन्होंने लगाए हैं, तो वो बागात कौन कौन से थे? जी, ये तो खैर बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि ये तासुब से भरी जो एक प्रोपेगेंडा है। तो एक जेनोसाइड होता है जिसको हम नस्ल कुशी कहते हैं और एक मेमरोसाइड होता है जिसमें आप याददाश्त मिटा देना चाहते हैं। किसी की भी कोई अच्छाई है तो हमें उसको याद रखना चाहिए। ये एक तयशुदा बात नहीं है कि सिखों ने सबसे ज़्यादा कत्ले आम किया या सिखों ने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। तो ये हर हमलावर की खूबी है कि वो जब भी किसी शहर पर हमला करता है, चढ़ाई करता है, तो वहाँ लूटमार भी करता है, कत्ले आम भी करता है, इमारतों को भी नुकसान पहुँचता है। तो जहाँ तक बात है सिख पीरियड की, तो महाराजा रणजीत सिंह से पहले के अगर दौर की हम बात करें तो वो एक तवाइफुल मलूकी का ज़माना था, लूट मार का, आमदोरफ्त का। कभी अहमद शाह अब्दाली आ रहा है, कभी अहमद शाह दुरानी आ रहा है, कभी जो है वो तीन हाकिम जो हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। तो उस दौर में जितने भी जो फारिग लोग थे और रोज़ी रोटी का मसला था, नौकरियां नहीं थी, वसाइल नहीं थे, तो उस वक्त उनको सबसे आसान काम ये लगा कि जो बड़ी बड़ी आलीशान मुग़लों की इमारतें हैं इनको तोड़ा जाए और इनसे पत्थर उतार के बेच दिया जाए जो लोग मुख्तलिफ़ जगहों पे बागात में इस्तेमाल करते थे। तो यही वजह है कि कुछ चीज़ें रणजीत सिंह के ज़माने में भी हुई हैं, इसे पहले से हाकमा ने लाहौर के दौर में बहुत ज़्यादा हुई हैं। तो कश्मीर में कहत भी पड़ा और कश्मीर से लोग यहाँ आए जिन्होंने ये सारा काम किया, लेकिन ये सारा मलबा जो है वो हम रणजीत सिंह के सर पर डाल देते हैं। तो बाद हज़ार रणजीत सिंह की जब हुकूमत मुस्तहकम होती है तो उस दौर में भी लाहौर में बेशुमार ऐसे बाग लगे जो कि उसके अपने जो उसके मुशीर थे, वज़ीर थे, उन्होंने लाहौर को बागों से भर दिया। अगर हम उसमें बात करें गोडेशा के करीब राजा दीनानाथ का बाग था, फिर जहाँ म्यू हॉस्पिटल है यहाँ पर जो है वो हरी सिंह नलवा का बाग हुआ करता था, इसी तरह दीवान कृपा राम का बाग हुआ करता था। तो इसी तरह लाहौर के अंदर जो है वो मुख्तलिफ हिंदुओं और सिखों के बाग जो है वो मौजूद थे। तो अभी आपने जो जिक्र किया है सिखों और हिंदुओं के बागात के, तो इनके आसार मौजूद हैं या बागात मौजूद हैं या उनको भी ताराज कर दिया गया और किसने किया? जी, ज़्यादातर बागात तो ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन बाद इलाके जो अपने नाम से आज भी जाने जाते हैं, जैसा कि एक समनाबाद के करीब एक इलाका न्यू शालीमार टाउन के नाम से है, तो ये असल में राम बाग, यहाँ पे एक बहुत बड़े हिंदू रईस थे तो उन्होंने ये बाग वहाँ लगाया था और जो हूबहू शालामार बाग की ही कॉपी था। पूरी बाग है जो असल हालत में हम कह सकते हैं, अव्वल तो उसकी भी इमारत जो 3 मंजिला थी उसमें से एक मंजिल गिर गई थी जो दोबारा तमीर ही नहीं की जा सकी। तो इसके अलावा जो आप देखें कि जो
एमयू कॉलेज सॉरी इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन्स है, ये भी एक सिखों का बाग था। इसी तरह जो कोट ख्वाजा सईद के अंदर बारादरी शाह बिलावल मशहूर है, वो भी सिखों का बाग था, वो किसी हद तक अपनी असल हालत में मौजूद है। तो इस तरह चंद एक बाग ही हैं जो एक सिखों की तारीख की नुमाइंदगी करते हैं। अभी हम बात करेंगे अंग्रेज़ अहद की कि उस दौर में जो बागात हैं कितने नए लगाए गए और पुराने बागात की जो देखभाल है उन्होंने कितनी ज़िम्मेदारी निभाई इस हवाले से। जी अंग्रेज़ों ने चूँकि सिखों से हुकूमत छीनी थी और उसके बाद में इन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि लाहौर की जो किला और उसके त्राफी जो फसील थी उसको गिरा दिया, और जो लाहौर किले के बाहर और पूरी शहर के गिर्द एक खंदक हुआ करती थी जिसमें पानी भरा रहता था, जिसका मकसद शहर को बचाना था, इन्होंने सबसे पहले उस खंदक को मिट्टी से भर दिया और उसके बाद वहाँ पे बाग लगवा दिया। तो 1884 के करीब ये कंप्लीट हुआ था और इसमें इसको पूरे चूँकि ये शहर के गिर्द था और इसको इन्होंने सर्कुलर गार्डन का नाम दिया। और फिर उसी ज़माने में ही जो लाहौर का मशहूर ज़माना लॉरेंस गार्डन है वो भी तामीर हुआ और उसमें इंग्लैंड से और दीगर यूरोपियन मुल्कों से ला ला कर पौधे लगाए। उसके अलावा अगर आप देखें तो नासिर बाग जहाँ पर परेड ग्राउंड कहते थे, इसी तरह जो मीनार पाकिस्तान का मंटो पार्क था उस ज़माने में, तो ये बाग तो ना थे, पार्क ज़रूर थे। इसी तरह पोलो ग्राउंड है, इसी तरह लाहौर जिम खाना क्लब है, उसका बहुत बड़ा पार्क है, तो ये हम उसको पार्क की कैटेगरी में देख लेते हैं। लेकिन अगर हम बागात की बात करें तो फिर ये दो ही हमारे सामने आते हैं, एक सर्कुलर गार्डन और एक लॉरेंस गार्डन। बहुत शुक्रिया, आपने आज हमारे लिए स्पेशल वक्त निकाला और आपने हमें लाहौर के बागात के बारे में तफसीलात से भी आगाह किया। इसके साथ साथ बहुत सी नई मालूमात भी हम तक पहुँची, यानी हम नहीं जानते थे कि यहाँ पर सिखों ने भी बहुत से बागात लगाए। और आज हमने अपने इस प्रोग्राम में शायद एक जो मुझे खुशी भी हो रही है कि हमने एक तो तासुब का जो एक टैग था सिखिज़म के ऊपर, हमने उसको भी थोड़ा सा हटाने की कोशिश की कि हर दौर जो है अपनी ख़ास स्पेशलिटीज़ के साथ वारिद होता है, हुक्मरान होता है यहाँ पर, और जब कोई हाकिम यहाँ पर आता है तो वो अपनी ही तरह की असलाहत लेके आता है। तो सिख दौर में भी यहाँ पर बहुत सी असलाहत जो है वो नाफिज की गई। खैर, हमारा प्रोग्राम चूँकि सियासी नोयत का नहीं है, हम लोग बात कर रहे थे लाहौर के बागात की, और चूँकि इसको बागों का शहर कहा जाता था और यहाँ पर जैसा कि अभी आपने जाना भी कि बहुत से बागात थे, यानी कि तकरीबन सिख अहद तक तकरीबन 100 बागात का जिक्र जो है वो फैज़ान साहब ने आपके सामने किया, जिनमें से बहुत से मादूम हो चुके और बहुत सी की हालत जो है वो बहुत मखदूश है, जिस पर हमें भी अफसोस हुआ। अगर इस पर तवज्जो दी जाती तो सियाहत के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अहम कदम साबित हो सकता था, लेकिन अभी भी वक्त हमारे हाथ में है, जो बचा खुचा है उसको हम समेट सकते हैं। बागात के हवाले से बात करना एक बहुत ही तवील मौजू है और शायद इतने कलील वक्त में हम उन तमाम बागों का इहाता कर भी नहीं सकते हैं। अभी बात चल रही थी लॉरेंस गार्डन की, वो चूँकि अंग्रेज़ अहद में तामीर किया गया था और उसको हम शुमार कर सकते हैं अपने तीसरे दौर में, और इस तीसरे दौर के बाद चूँकि पाकिस्तान का क़याम जो है वो अमल में आता है और पाकिस्तान के क़याम के बाद भी यहाँ पर बागात का जो सिलसिला है उसको देखभाल भी की गई, नए बागात भी लगाए गए। इस हवाले से एक बाकायदा महकमा भी कायम किया गया जो पाकिस्तान हार्टिकल्चर अथॉरिटी के नाम से जाना जाता है। मज़ीद इस हवाले से तफसीलात हम जानेंगे अपने अगले प्रोग्राम में। चूँकि हमारा मौजू था लाहौर के बागात और कहा जाता है इस शहर को बागों का शहर, तो हमारा ख्याल था कि हम तमाम बागों को अपने इस प्रोग्राम में कवर करेंगे, लेकिन तवालत की वजह से हमें दो हिस्सों में इसको तकसीम करना पड़ा। माजी के बागात की तफसीलात आपको फैज़ान साहब ने बताई, तो आइंदा आने वाले प्रोग्राम में हम आपको लाहौर के जदीद बागों से भी मुतारिफ़ करवाने जा रहे हैं, जो यकीनन आपके लिए बहुत दिलचस्पी का बायस होने वाला है। प्रोग्राम आज का आपको कैसा लगा, अपनी राय से हमें आगाह ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। तो आइंदा के प्रोग्राम तक के लिए अपनी मेज़बान नसरीन बट और टीम डी का जहाँ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।